फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने बाल गोपाल के लिए इस तरह का पोशाक बनाना चाहते हो? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एड्रेस हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे फ्रेंड्स। एड्रेस हम 5, 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आसानी से पहना सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये ड्रेस पहनाना भी बहुत ही आसान है। देखिए, मैंने 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी लिए है, तो कुछ इस तरह से हम पहना सकते हैं, इजीली पहना सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है और बहुत ही प्यारा दिखता है। ये समर पोशाक है फ्रेंड्स, कॉटन फेवरेट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कॉटन फेवरेट लिया है और इसकी मदद से हम लड्डू गोपाल जी का बनाएंगे समर पोशाक। यहाँ पे हम रिबिन का भी यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक वीडियो में मैं राउंड शेप काटना दिखाती हूँ, इसीलिए इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने 3 राउंड शेप काटे हैं, 2 कपड़े में और ये फॉर्म है पतला वाला। यहाँ पे हम उक्रम का यूज़ करेंगे, ये पतला वाला है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है फ्रेंड्स। 2 कपड़े के राउंड शेप के ऊपर हम ये उक्रम रखेंगे फ्रेंड्स और पूरे राउंड में टीच करेंगे। जब हम इसको पलट देंगे तब एक दोनों कपड़ों के बीच में आ जाएगा उक्रम फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने राउंड शेप फ्रेंड्स 3 इंच का काटा है फ्रेंड्स। चारों तरफ मैंने टीच कर लिया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमें कट्स लगाने हैं सिलाई के नज़दीक ही। तो इस तरह से कट्स लगाने से हमारे गोलाई की फिनिशिंग अच्छी आती है फ्रेंड्स। अब हम पलट लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे करके बाहर की तरफ पलट लेना है और ये उक्रम है ना, ये दोनों कपड़ों के बीच में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा राउंड बनके रेडी है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का काप लगा देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का पैर आ जाए, इतना ही हमें कट्स लगाना है फ्रेंड्स। अब हम दोनों स्ट्रिप में रिबन अटैच कर देंगे टीच करके। तो देखिए, मैंने टीच कर लिया है। इसकी लंबाई है 32 और चौड़ाई है 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा, और इसकी लंबाई है 48 और इसकी लंबाई भी 2 इंच है। अब हम इस तरह से पूरे कमर में छोटी छोटी प्लेट्स लेकर पूरे राउंड में ये हम लगा देंगे स्ट्रिप को पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्ट्रिप लग गई है। अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब हम लगाएंगे बाहर की तरफ ये ब्लू। तो फ्रेंड्स, इसको हम 1 इंच ऊपर लगाएंगे, पूरे राउंड 1 इंच पर लगा देंगे और इनके ऊपर हम ये स्ट्रिप को लगाएंगे इस तरह से। हमें छोटे छोटे प्लेट्स लेने हैं ताकि इसका घेरा बहुत ही प्यारा बने फ्रेंड्स, और दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बनके रेडी हो गया है घेरा, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम कमर का नाप लेंगे। तो लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई इसकी 1 इंच है। तो ये स्ट्रिप हम कमर पर अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। फिर इसको इस तरह से मोड़ कर हम टीच कर लेंगे। तो ये हमारा घेरा बन के रेडी है फ्रेंड्स। अब हम चोली बनाएंगे। तो इसकी लंबाई है 6.5 इंच और चौड़ाई इसकी 1 इंच है। तो इसी तरह से हम इस पर इस रिबन को अटैच कर देंगे। अब इसमें भी करेंगे। तो दोनों में मैंने रिबन अटैच कर दी है। यहाँ पे मोड़ कर हम टीच कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमारी चोली भी बन के रेडी फ्रेंड्स। आपको मेरा ड्रेस बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। धन्यवाद।